उदाहरण 22, वर्ग समीकरण 4 एक्स की घात 2 ऋण एक्स धन 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। हल, वर्ग समीकरण 4 एक्स की घात 2 ऋण एक्स धन 1 बराबर 0 की तुलना हम ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर हमें ए का मान प्राप्त होता है ए बराबर 4। उसी तरह से बी का मान हो जाएगा, बी को हम तुलना करेंगे, एक्स का गुणांक यहाँ बी है और यहाँ एक्स का गुणांक ऋण 1 है, तो यहाँ बी का मान ऋण 1 और उसी तरह से सी का मान 1। ए बी और सी का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम जानते हैं कि विभेदक डी बराबर बी की घात 2 ऋण 4 ए सी में मान रखने पर हमें प्राप्त होगा डी बराबर बी का मान हमारे पास ऋण 1 है की घात 2 जो कोष्टक में रखेंगे ऋण 4 ए का मान है 4 तो गुणा 4 और गुणा सी का मान है 1 या विभेदक डी बराबर ऋण 1 की घात 2 बराबर ऋण 1 गुणित ऋण 1 बराबर 1 ऋण 4 गुणा 4 16 16 एकम 16 तो हमें प्राप्त होगा डी बराबर ऋण 15 जो कि ऋणात्मक है। जो कि ऋणात्मक संख्या है डी का मान, चूंकि दिए गए वर्ग समीकरण का विभेदक ऋणात्मक है अतः इस समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे। यह इस उदाहरण का हल है। करके देखें, इन समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहला, x का वर्ग धन x धन 2 बराबर 0। दूसरा, 2x का वर्ग धन x ऋण 1 बराबर 0। तीसरा, 2x वर्ग धन 5x धन 5 बराबर 0। चौथा, 2y का वर्ग ऋण 2 गुणित वर्गमूल 6 गुणित y धन 3 बराबर 0।